आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच। आज क्या बताना चाहेंगे? पिछले वीडियो में जिसकी सूचना नहीं दी जा सकती है उस पर हम लोग चर्चा किए थे, और अभी तो उसी को पूरा करना है, क्योंकि 5 मिनट में संभव नहीं है कि पूरी बात को बताई जा सके। धारा 8 की उपधारा 1 के घ में एक वर्ड आया है, सक्षम प्राधिकार। व्यापार गोपनीयता, वाणिज्यिक विश्वास और बौद्धिक संपदा से संबंधित जो सूचनाएं हैं उसको नहीं दी जा सकती है, या उस सूचना को प्रकट नहीं करना है जिससे किसी की प्रतियोगी स्थिति का ह्रास हो। जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि यह सूचना प्रकट करने से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है। दूसरा, अंगम में कहता है कि वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध कराई गई सूचना को प्रकट नहीं करना है जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाए कि यह सूचना प्रकट करना लोक हित में अधिक है, और अपहानि जो सहता है जिससे संबंधित सूचना है वह हानि कम सहता है और लोक हित का समर्थन अधिक होता है। तो एक वर्ड आया, यह सक्षम पदाधिकारी। सक्षम प्राधिकार है क्या? सक्षम प्राधिकार को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 में परिभाषित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी में लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और राज्य सभा के सभापति, फिर आप आते हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और राष्ट्रपति, ये सक्षम प्राधिकार कहलाते हैं। फिर संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किए गए प्रशासक सक्षम प्राधिकार हैं। जैसे संघ राज्य क्षेत्र जो है, जहाँ संघ द्वारा प्रशासित प्रदेश है, ये कहिए जैसे दिल्ली है आपको, दादर और नगर हवेली है, पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ संघ क्षेत्र है, संघ द्वारा प्रशासित किया जाता है, तो वहाँ जो प्रशासन चलाने वाले हैं वो धारा 239 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। एलजी नियुक्त किए गए हैं आपको दिल्ली में, अभी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में नए नियुक्त किए गए हैं, तो ये लोग सक्षम प्राधिकारी हैं। अगर संशय की स्थिति हो, नहीं समझ में बात आती हो लोक सूचना पदाधिकारी को कि इससे विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है कि नहीं, तो उनको सक्षम प्राधिकारी से ही लेना है आदेश, और उसके बाद ही मामले को डिस्क्लोज करना है। फिर सक्षम प्राधिकारी को धारा 27 के अंतर्गत कुछ दिया गया है अधिकार, जैसे आवेदन शुल्क धारा 6 के उपधारा 1 में जो हम शुल्क का निर्धारण करने का सरकार को दिया गया है अधिकार, फिर धारा 7 के 1 के तहत अन्य शुल्क जो लेते हैं वह राज्य सरकार के अधीन है, लेकिन राज्य सरकार इन लोगों से संबंधित नहीं बना सकती है नियम, ये खुद का नियम बना सकते हैं। जैसे आवेदन शुल्क के राज्य सरकार, बिहार सरकार 10 रुपया रखे हुए, ये 50 रुपया रख सकते हैं, प्रति पेज 2 रुपये बिहार सरकार ने रखा है, ये अपना 10 रुपये रख सकते हैं। तो इनका ये अधिकार क्षेत्र का है मामला, राज्यपाल भवन, राष्ट्रपति भवन या विधानसभा अध्यक्ष का कार्यालय हो, ये सब अपना नियम खुद का बना सकते हैं। अब इसके बाद आता है पर व्यक्ति की सूचना। उस दिन भी बात हम किए थे तो केवल उसमें यही चर्चा किए थे कि धारा 11 से संबंधित अगर सूचना है तो उसको नहीं लिया जा सकता है, तो पर व्यक्ति से संबंधित कैसी सूचना हम ले सकते हैं, उसका क्या प्रक्रिया है, सूचना देने के पहले किन प्रक्रियाओं का पालन लोक सूचना पदाधिकारी करेंगे, यह विचार हम लोग अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।